अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमने एक विज़िट किया था एक बर्ड शॉप का। मुझे अपने बर्ड्स के लिए विटासोल लेना था, तो अब मुझे लूज़ में चाहिए था क्योंकि मेरे पास इतने बर्ड नहीं है कि मैं उनके लिए पूरा एक पैक लूँ। मैंने एरिया की शॉप से पता करते हैं कि विटासोल इसके पास अवेलेबल है या नहीं है। तो जब वहाँ पहुँचे तो इतना सब कुछ नज़र आया, ये चूज़े वगैरह, खरगोश वगैरह, और ये देसी चूज़े, फार्मी चूज़े, और अंदर भी बहुत कुछ है। हमने कहा चलो एक वीडियो भी बना दें, आपको दिखाएं भी कि क्या क्या यहाँ पे मौजूद है। ये शॉप है महमूदाबाद नंबर 2 पे, तो वहाँ से अमूमन मुझे कोई अपने बर्ड के लिए चीज़ चाहिए होती है तो मैं नॉर्मली वहाँ से ले लेता हूँ। तकरीबन हर चीज़ मिल जाती है। विटासोल भी था, पर विटासोल प्लस था छोटी डब्बी में, उनके पास लूज़ में नहीं था और बड़ी डब्बी इनके पास थी नहीं, तो वो मुझे नहीं मिल सका। तो विटासोल ज़रूरी है बर्ड्स के लिए, लाजमी है बेशक आपके पास कोई भी बर्ड है, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम और मिनरल्स वगैरह और उसके अंदर विटामिन वगैरह भरपूर होते हैं, तो वो हर एवरी में होता है और होना भी चाहिए लाजमी। बाकी आप कैल्शियम वगैरह सोर्स आप कुछ भी देते रहो वो अलग चीज़ है, पर विटासोल लाजमी होना चाहिए। सब आपके बर्ड की जो है लाइफ बढ़ती भी है, एक्टिव भी रहता है और उसके अंदर की कमियां भी पूरी होती रहती हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये लाजमी होना चाहिए आपकी एवरी में। अच्छा, शॉप पे पहुंचने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे कौन कौन से बर्ड हैं। तो यहाँ ये फ्रेंचेस मौजूद हैं, लोटिनो मौजूद हैं, बजरी मौजूद हैं, कॉकटेल मौजूद हैं। तो बस सरसरी एक वीडियो बनाई और हमने भाई साहब से पूछा कि भाई फ्रेंचेस का प्राइस क्या है, क्योंकि मेरे पास जो पट्ठे निकले थे मैंने कहा चलो शॉप पे ही दे दूँ। तो भाई साहब ने बोला भाई हम ले नहीं रहे। मैंने भाई वजह क्या है, इतना सब तो पड़ा हुआ है। उसने बोला जी ये सब हमारे अपने फार्म का है। तो आजकल जो फार्म वाले हैं वो अपनी शॉप भी बना के बैठ गए हैं। ये आपके सामने है शॉप, पूरी भरपूर शॉप है, हर चीज़ अवेलेबल है, सीड भी मौजूद है, बर्ड भी मौजूद है, केज भी मौजूद है, तो हर चीज़ अवेलेबल है। पर हम नहीं दे सकते इनको कोई चीज़, क्योंकि ये इनकी नई एक मंतक निकल आई है। किसी भी आप शॉप पे चले जाओ, या तो वो रेट कम ही लगाएगा, आपको प्राइस नहीं देगा उस हिसाब से, या वो आपको क्लियर मना कर देगा जी ले नहीं रहे हम, सिर्फ दे रहे हैं। तो ये इसने सिर्फ सेल करने के लिए रखे हुए हैं, लेने के लिए कुछ नहीं रखा हुआ। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इसके पास तकरीबन वैरायटी है छोटे बर्ड्स में जो हर शौकीन रखता है, जैसे रिंग नेक हो गया, रो हो गया, सन कनोर हो गया, या फ्रेंचेज हो गई, कॉकटेल हो गई, ये सारी चीज़ें इनके पास मौजूद हैं। मुर्गे हो गए, अब मुर्गे हमारे तो खाने के काम आते हैं क्योंकि हमारे पास पालने की जगह नहीं है, तो इसलिए जो पालते हैं उनके लिए वो चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। आप आके विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं, महमूदाबाद 2 नंबर पे ये शॉप है। और जब से मैं तकरीबन इस फील्ड में 3 साल से हूँ, और 3 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि रोज़मर्रा के रूटीन में कहीं भी आप विज़िट करो आपको कोई ना कोई बर्ड शॉप मिल जाती है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले आपको ढूंढने से बर्ड शॉप मिलती थी, अब नॉर्मली लोगों ने इस शॉप को जो है बिज़नेस कर लिया है। तो मैं लोगों को यही मशवरा दूंगा कि भाई पार्ट टाइम आप करो, आप रखो अपने घर में कोई भी बर्ड रखो, शौक़ के लिए रखो, बिज़नेस के लिए नहीं रखो। जब आपका शौक होगा ना तो उसमें आपको बिज़नेस खुद नज़र आएगा। अगर आप सिर्फ बिज़नेस के लिए रखोगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, तो हो सकता है कि थोड़ा नुकसान भी उठाना पड़े। चले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।